अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैंने मुहर्रम 10वीं मुहर्रम का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ और उस पर काफ़ी कम भी हुआ है। ये बहुत बुरी बात है। उससे पहले मैंने सेमरी का वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी ज़्यादा भी आ गया उस पर। इस वीडियो को आप लोग देखने से पहले अपने दोस्तों में शेयर करिए, उसके बाद ही देखिएगा। शेयर पर क्लिक करिए, उस पर व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, आप स्टेटस लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे हर टाइप के। और एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ, वीडियो को शुरू करने से पहले इसमें तो फील्ड्स लेकर के और अखाड़े तक का पूरा वीडियो, यहाँ तक कि मेले का भी थोड़ा सा झलक दिखा दिया हूँ। पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपको देना चाहूँगा कि इस मातम के अकॉर्डिंग किसी को चोट लगी है किसी के लाठी डंडे से, तो मैं बता देना चाहूँगा कि वो जानबूझ के नहीं मारा हो, तो उसको नोट मत करिएगा, ताकि अगले मुहर्रम में उसका हिसाब करने के लिए ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अपने भाइयों को माफ़ कर दीजिएगा अगर लग गया हो तो आपको उन लोगों से। और मुहर्रम में जो हराम कामें हैं, वैसे तो मातम करना भी एक गलत चीज़ है, पर धीरे धीरे हराम कामों को दूर होइए, छोड़िए, कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग को अल्लाह ताला हिदायत दे, और कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरे आधे घंटे रेस्ट और इंतज़ार करने के बाद अब हमारा गोल निकल चुका है, और यहाँ से अखाड़े तक मतलब बनाक्टर तक पहुँचते हुए एक जुलूस की तरह जाएगा सब लोग शांति के साथ। और यहाँ पे काफ़ी लोग अरेंज करते हैं पानी पीने का, जूस पीने का, मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर जिसे नाम याद रहा है वो कमेंट करके बताना किसने यहाँ पर अरेंज किया था। जिसने भी किया था बहुत अच्छा काम किया था, और आपको भी ये अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर आप भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है, कहीं भी अपना स्टॉल लगा सकते हैं अपने। तो ये ऐसे सब नेकी के कामों में हिस्सा ले लीजिए चढ़ बढ़ के, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 200 से 500 तो हमारे गाँव के लोगों का एक दिन का ब्रेकफास्ट का वो खर्चा है। तो आप लोग अरेंज कर लीजिएगा भाई, अगले साल ज़रूर कम से कम 3-4 स्टॉल तो होना ही चाहिए। और एक मैं कहूँगा, गलती है यहाँ के सीनियर लोगों का, कमेटी का, जो भी यहाँ से रिलेटेड है या फिर तजियेदारों का ही, आप लोग रास्ते का मुआयना नहीं करते हैं। देखिए इतना सारा पेड़ बढ़ गया है और रास्ते के बीच में आ रहा है, ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है तजियों के ले जाने में। लेके जाते ही थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता होगा, और यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि पेड़ क्या लोहे के ग्रिल भी तोड़ दे रास्ते में अगर आ जाए तो, ऐसे लोग हैं। तो वो दिक्कत तो नहीं हुआ, पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तजियों को ले जाने के रास्ता को कम से कम क्लियर कर दीजिएगा। अगर ये रास्ता हमारे गांव के अगर अंडर आ रहा है तो इस रास्ते को सही करवा देना चाहिए, हमारे गांव के प्रधान जी से रिक्वेस्ट है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं इस बारे में बता दूं कि ये देख सकते हैं। और एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा, देखिए ताजिया को ले जाने के लिए तो काफ़ी लोग रहते हैं साथ में, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, एक्टिव रहते हैं, पर इतनी सारी गोल है, कम से कम 1000 लोग से ज़्यादा है इस जुलूस के अंदर, बाकी लोग तो ज़्यादातर नहीं आते हैं माशाल्लाह, लोग नमाज किताब में ज़्यादा रहते हैं, वो ध्यान देते हैं। पर जो लोग जाते हैं वो आते टाइम ताजिया के साथ काफ़ी कम लोग रहते हैं, तो आप लोग थोड़ा ताजिया के साथ भी आए कीजिए, ताकि बदल बदल के लोग ला सकें। तो ये सब थोड़ा दवातों का ध्यान दीजिएगा। और चलिए फिर ये देख सकते हैं हमारा जुलूस, काफ़ी हमारे भाई लोग थके थे, वो लोग रेस्ट कर चुके, अब इनका अलग एनर्जी अलग लेवल का देखने को मिलेगा जब बनाकर में एंट्री होगा। और ये देख सकते हैं भाई, तो यहाँ से हम मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अपने गोल का। ये सारे के सारे लोग मातम कर रहे हैं, और जैसे कि मैं शॉर्ट्स में यहाँ पे देखिए हिंदू भाई लोग भी एक्टिव है, कुछ लोग आते हैं भाई बस मातम नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको पूरा वीडियो ही दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप हर जगह का। अगर आप लोग बाहर बैठ कर देख रहे हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोग बाहर है कि गाँव में है। तो मैं आपको फील करा दूँगा एकदम से इस मुहर्रम को, और इसके लिए मैं दिल्ली से आया था, तो मैं अपना कीमती समय दिया हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को मेरे सारे वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू आना चाहिए, टॉप लिस्ट में आना चाहिए, पॉपुलर लिस्ट में। तो इसके लिए आपको शेयर करना होगा, मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होगा, अपने दोस्तों से अपने जानकारों से सब्सक्राइब करवाइए, और जितना हो सके बस शेयर कीजिए, ठीक है। आइए आपको असली मातम दिखाता हूँ, अब शुरू होगा असली मातम। तो देखिए भूणा निकाय खतरनाक मातम,
और यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा पतला है, इसलिए सारे लोग एक साथ नहीं लाठी लड़ा पाएंगे, पर जितने आ सकते हैं आ रहे हैं। देखिए पीछे सब लोग खड़े हैं, तो ये साइड से मैं व्यू ले रहा हूँ ताकि साइड से भी लोग दिख सके, लोगों का चेहरा आ सके। और ऊपर देखिए, और यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ से गोल थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि स्पेस मिल गया है। और यहाँ के बनता कि हमारे हिंदू घर के फैमिली भी चाचा के बहुत सम्मान करते हैं लोग, नीचे पानी डाल के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये भी बहुत सही चीज़ है, आने वाला वक्त इतने ख़त्म हो रहा है, पर पहले के लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, पूजा वगैरह अपने हिसाब से भी किया करते थे। और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ भी एक सीन ऐसा ही है। तो चलिए अब पूरा मातम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आगे बहुत सही बात होने वाला है, सो आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा फुल वीडियो देख के जाइए, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको ये वीडियो। पूरा अखाड़े का लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये देखिए जिसमें बात कर रहा था, ये दादी यहाँ पे पानी गिरा गई हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है ताजिया का, और ये लोग भी अपना मन्नत वगैरह मांगते हैं। और फाइनली गाइस ये देख सकते हैं पुलिस का ड्यूटी स्टार्ट हो गया, पूरे फील्ड से यहाँ तक आपको एक भी पुलिस नहीं दिखा होगा, पर यहाँ पे देखिए पुलिस अपना फर्ज निभाते हुए। वाह भाई क्या बात है, तो हमारा प्रशासन भी एक बहुत ही खतरनाक भेदभाव वाली है, मतलब दो तीन जगह ये बस ड्यूटी दिखाती है, अजीत के द्वार पे बहुत पर्सनल होमगार्ड सिक्योरिटी के तौर पे, और एक यहाँ पर, बाकी जगहों इनका ड्यूटी नहीं होती है। तो मैं ज़रूर आगे आने वाले वक्त में मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ हाई कमांड के पास कि ऐसा क्यों होता है भाई, मुझे इसका जवाब चाहिए। भले ही कोई इस पर ध्यान ना दे, पर मैं ध्यान दूंगा, ड्यूटी है तो पूरे गाँव में करो, नहीं तो यहाँ एक दो जगह बस मत करो, ठीक है भाई। मैं आवाज़ उठाऊँगा माता मिल जाएगी। दोस्तों तो कैसा लगा मातम? अभी तो जो मेन वाला मातम था, मतलब जो फेसबुक पे वायरल हुआ था, मैं तो उसको अभी शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं फंस गया था पीछे ही बहुत बुरी तरीके से। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, बस देखते जाइए और इसको एंजॉय करिए। और जो नारा लगेगा नारे तकबीर, उसका जवाब आप लोग कमेंट में करके जाइएगा, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह, और इस छोटे भाई के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके धीरे से चले जाइएगा आप, और वीडियो आप लोग देखते रहिए। और इसमें आगे मैं आपको मेले का भी कराऊंगा, तब तक आप लोग मातम देखिए और एंजॉय करिए। Let's go.
अरे आवाज आने भाई तो दोस्तों मातम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया, फाइट भी हुआ, बस उस वो सब नहीं ला पाया हूँ क्योंकि झगड़े के टाइम थोड़ा सा मैं भी देखने लगता हूँ। तो काफ़ी लोग कम इस बार कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा बवाल हो गया था, तो इसलिए लोग कम थे, बस सीनियर लोग ही थे। और ये देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं। और इसी के साथ मैं आपको चल के यहाँ के भीड़ के साथ साथ मैं यहाँ के मेला का भी दिखाऊँगा कि मेला कैसा लगता है। वैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगा था, पर इस बार थोड़ा नॉर्मल ही है, तो बस नॉर्मली ही आज चली, थोड़ा सा टूर तो करा ही देता हूँ। और जितने लोग थक गए हैं वहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, और यहाँ पर गेम हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये मेला का थोड़ा सा व्यू, जो कि छोटे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते, देखिए। और काफ़ी लोग कमाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पैक करा के भी ले जाते हैं, तो जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं वो एक मेला को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारा का सारा चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, स्टॉक्स डाउन है, यानी भुनाडी के मेला में सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, सब लोग पैक करा के लेके चले जाते हैं। और ये हमारे गांव में आते रहते हैं, इनका फुल्की सब लोग खाते हैं। और इनके बारे में जो कुछ कहना चाहे कमेंट करके कह देना भाई। ये सारे के सारे दुकान भुनाडी में लग चुके हैं ईद बकरीद में, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं गेम की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कुछ नौजवान वर्सेस कुछ बुजुर्ग, तो ये लोग जितने मतलब जिस लेवल से ये लोग अपना गेम दिखा रहे हैं बनाइटी का, इससे तीन गुना ज़्यादा तगड़ा हमारे दादा लोग गेम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इतना हार्ड एनर्जी भाई आजकल के नौजवानों में भी नहीं है, तो मुझे दादा से थोड़ा सा सीखना चाहिए। मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर आपको अपना गेम प्ले दिखाऊंगा इनसे ही सीख के, तो इंतज़ार करिएगा। और वीडियो में अगर जो पहली बार आया है अभी तक देख रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, और शेयर कर देना अपने खास दोस्तों में, ठीक है। और स्टेटस ज़रूर लगा देना आप मेरे वीडियो को लिंक के बारे में। चलिए फिर देख के निकलते हैं यहाँ से, गेम होता है। और यहाँ पे पहले मैं पिछले वीडियो में बताया था ना कि जनवान के लोग आते हैं यहाँ पे, पहले आते थे। तो ये अखाड़ा की मैं बात करूँ तो ये अखाड़ा थोड़ा बहुत कब्जा हो चुका है, कब्जा का मतलब कि बनाकटे के लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा ही। तो हमें चाहिए कि इस अखाड़े को सिक्योर कर लिया जाए, हो सके तो सरकार से बोल के या फिर जो भी इसके ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे कह के इसको बाउंड्री करा दिया जाए ताकि हमारा अखाड़ा सिक्योर हो जाए। नहीं तो आने वाले वक्त में दो चार पेड़ और लगा दिए जाएंगे और उसकी पूजा पाठ हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। पता चलेगा यहाँ से 200 साल पुराना मंदिर निकल गया, वो निकल गया, ये निकल गया। इससे अच्छा कि आप लोग यहाँ पे अपना ग्राउंड करा के और इसको सिक्योर कर लीजिए, ठीक है भाई। और ये देख सकते हैं गेम बहुत ही शानदार गेम को। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट गेम है हमारे बड़े भाई लोगों का, और बहुत अच्छा खेलते हैं ये, पर जनवान के आगे थोड़ा सा कम है थे, मैं क्यों झूठ बोलूँ अपने गांव के लिए। तो जनवान वाले थोड़ा अच्छा खेलते हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर में उन लोगों का भी वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो यहाँ तक जो भी देख रहा है वो एक बार कमेंट करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लास्ट तक सब लोग देखते होंगे, पर कोई अगर देख रहा है तो थोड़ा सा कमेंट करना, इससे मुझे लगेगा कि हाँ वाकई यार कुछ लोग तो देखते ही हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा, कम से कम मेरे गोलू भाई के लिए कमेंट करिएगा भाई, कम से कम एक कुंडल के बॉडी लेके भी इतने अच्छे खेलते हैं नदी के साथ, उनके लिए तो कमेंट बनता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर मुहर्रम में, और आप लोगों का शुक्रिया यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।